क्या गाइस आपको पता है कि मोबाइल के अंदर हमारे प्रोसेसर का क्या यूज़ होता है, यानी कि प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है हमारे मोबाइल के अंदर, या मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से वो काम करता है। और आपने कुछ ऐसी बातें भी सुनी होंगी कि हमारे फ़ोन के अंदर ऑक्टा कोर या डेका कोर प्रोसेसर है या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर आपने सुना होगा और आपको इनका मीनिंग या आपको इनका मतलब नहीं पता कि ऑक्टा कोर, ड्यूअल कोर या हेक्सा कोर ये क्या होते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और एक बात और मैं बता दूं कि आपको ये भी बात पता होगी कि कुछ प्रोसेसर में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है, वो आपको नहीं पता, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर के बारे में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी अच्छे अच्छे पोस्ट करता रहता है। तो गाइस अब बात कर लेते कि मोबाइल प्रोसेसर क्या है, यानी कि मोबाइल प्रोसेसर क्या है। अगर मैं आपको नाम के तौर पर अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मोबाइल प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है, प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस करने वाला, यानी कि काम करने वाला, जिस तरीके से हमारे मनुष्य के अंदर एक माइंड होता है यानी कि दिमाग होता है, उसी तरीके से मोबाइल का प्रोसेसर होता है। जिस तरीके से मनुष्य के अंदर माइंड होता है, इसी तरीके से मोबाइल के अंदर प्रोसेसर होता है, काम करने वाला मोबाइल के अंदर प्रोसेसर होता है, मनुष्य के अंदर दिमाग होता है काम करने वाला। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर एक काम करने वाली डिवाइस है जो एक चिपसेट के अंदर जो है उसको प्रभावित किया गया, यानी कि बनाया गया उसको चिपसेट के अंदर। इसी तरीके से मनुष्य के अंदर दिमाग होता है। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर एक चिपसेट है छोटी सी जो हमारे मोबाइल के अंदर होती है काम करने के लिए। मोबाइल को जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को कमांड देते हैं, यानी कि अगर आप किसी ऐप को खोलते हैं तो उस वो जो बात है, अगर आप ऐप को खोलते हैं तो वो बात आपके प्रोसेसर को पहुंचेगी, और प्रोसेसर उस काम को जितना हमारा पावरफुल प्रोसेसर होगा उसी तरीके से, उतनी ही पावर तरीके से उस ऐप को जो है वो ओपन कर देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर का क्या काम होता है हमारे फ़ोन के अंदर, कि प्रोसेसर क्या इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि ड्यूअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर किस तरीके से काम करते हैं या ये क्या होते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्यूअल कोर यानी कि दो कोर, क्वाड कोर चार कोर और ऑक्टा कोर आठ कोर किस तरीके से काम करते हैं, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर आपका दोस्त और आपको काम दिया गया, एक काम दिया गया जिसको आप और आपका दोस्त 8 घंटे में करते हो, तो यानी कि दो कोर हो गए, यानी कि आपके दोस्त और आप दो कोर हो गए। इसी तरीके से आप अपने दो फ्रेंड्स को और बुला लेते हो तो उस काम को, जो काम आप जो 8 घंटे में कर रहे हो उसका जो आधा समय लगेगा आपने अपने दो दोस्तों को और मिलाकर, तो ये हो गया क्वाड कोर। इसी तरीके से आप और अपने दोस्तों को बुला लेते हो तो 8 दोस्त हो जाएंगे, तो 8 ही कोर हो जाएंगे। इसी तरीके से जितने कोर ज़्यादा होंगे उतना कम हमारा समय लगेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको मोबाइल में बताऊं तो हमारे जैसे फ़ोन में अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो हमारे फ़ोन में जो प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर में 8 कोर है, और 8 कोर जितना काम तेज़ी में करेंगे उतना ही हमारे फ़ोन को यानी कि प्रोसेसर हमारा उतना ही पावरफुल होगा। यानी कि अगर हमारे फ़ोन में जो क्वाड कोर यानी कि ड्यूअल कोर अगर प्रोसेसर है तो हमारे फ़ोन में 2 कोर हैं, 2 कोर कम स्पीड में काम करेंगे या कम पावरफुल होगा हमारा प्रोसेसर। जिस तरीके से ऑक्टा कोर प्रोसेसर काम करता है तेज़ी में, उसी तरीके से स्पीड कम होती है ड्यूअल कोर प्रोसेसर की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूअल कोर या क्वाड कोर, ऑक्टा कोर किस तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपने सुना होगा कि प्रोसेसर हमारा 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है या 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है या 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोसेसर की जो चिप होती है, चिप सेट होती है, तो वो क्या होता है कि वो जो है एक बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी कि करोड़ों ट्रांजेक्शन उसमें जो ऐड किए जाते हैं, करोड़ों ट्रांजेक्शन उसको ऐड करने के बाद ही वो जो बनाया जाता है, उसको जो बनाने की जो एक ट्रांजेक्शन की जो एक ट्रांजेक्शन होता है उसको ट्रांजेक्शन की जो उसके बीच का साइज होता है तो वो उसकी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती है। अगर जितना कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यानी कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी या 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी या
12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, जितना कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होगी तो उतना पावरफुल हमारा जो है प्रोसेसर होगा। अगर हमारा प्रोसेसर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, यानी कि एप्पल का एक अभी कुछ टाइम पहले एक प्रोसेसर आया था तो उसमें जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस था वो, तो अब आप सपोज कर सकते हो कि वो कितना पावरफुल होगा हमारा वो एप्पल का प्रोसेसर। कुछ फोन्स होते हैं, कुछ प्रोसेसर होते हैं जो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस होते हैं, वो कितना पावरफुल होगा एंड्रॉयड के हिसाब से, और जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है वो कितना पावरफुल होगा एप्पल आईफोन के मुकाबले। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर क्या होता है, क्वाडकॉम, क्वालकॉम, ऑक्टाकोर ये क्या होते हैं, और नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से टच कर, जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं वहां पर भी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।